हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेट सर्विसेज के कंप्यूटर लर्निंग सीरीज़ में। आज मैं आपको इस वीडियो में जो कॉमनली पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले भी डिफरेंट सेशंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ब्रीफली बताया है, आशा है आपने वो सारे सेशंस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पेज में जाकर सारे सेशंस को देख सकते हैं, सो दैट आपको यह वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप तक मेरे कंप्यूटर लर्निंग सीरीज के सारे वीडियोस टाइमली बेसिस पे आते रहें। तो ये स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टार्ट करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कोई भी लैपटॉप या फिर जो नॉर्मल पीसी चलाते हैं 90% ऑफ द टाइम्स आप सभी लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही वर्क कर रहे होते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस हैं कि वह बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और इसके सॉफ्टवेयर्स बहुत कॉमनली अवेलेबल हो जाते हैं, और इसमें जो फाइल्स जो हम बनाते हैं उसकी बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, और जो जो नए हार्डवेयर्स और नए ड्राइवर्स आते हैं उनको बहुत इजी अच्छा सपोर्ट रहता है न्यू वर्जन के साथ, और नए नए ड्राइवर्स जो हैं और जो डिवाइसेस हैं उसका प्लग एंड प्ले भी बहुत आसानी से हो जाता है, और गेम्स वालों के लिए गेमिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो इंटरनेट में हैं वह सारे MS टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट के लिए बने होते हैं, इसीलिए इंटरनेट में भी इसका जो कॉम्पेटिबिलिटी है वह बहुत अच्छा रहता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिक्वायरमेंट डिमांड करता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट से मतलब है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इसका जो सोर्स कोड है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स है वह क्लोज्ड है, इसीलिए अगर कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ किसी प्रकार का एरर आ जाए तो हम बहुत ही कम ट्रबल शूटिंग अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट ही उसको रिजॉल्व कर सकता है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पुअर माना जाता है, और वायरसेस का अटैक भी बहुत ज़्यादा हाईली ससेप्टेबल रहता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये और कारण है कि क्योंकि मैक्सिमम यूज़र्स वर्ल्ड वाइड में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं, इसीलिए जो वायरस के जो प्रोग्रामर्स हैं वह भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टारगेट करते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वह बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे फायरवॉल्स और वायरस स्कैनर्स और कई ऐसे एडिशनल सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अनस्टेबल माना जाता है कंपैरेटिवली, इसलिए अक्सर रीस्टार्ट रीबूट के इश्यूज आते रहते हैं। इसमें वेंडर से लॉक इन होने की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी सारी डिपेंडेंसी माइक्रोसॉफ्ट पर ही रह जाती है, इसीलिए अगर कोई क्रिटिकल अगर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जो फाइल की जो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी है वह लिमिटेड है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लीजिए 1995 से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं, तो अगर कोई फाइल बहुत पुराने वर्जन में बनी हुई है तो वह 2-3 वर्जन तक ही उसकी बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी रहती है, उसके बाद जो बहुत ही जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वो फाइल चलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई फाइल बहुत ही नए ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रखा है तो उसको बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब अगर आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वह बहुत लिमिटेड रहता है। इसमें जो ओल्डर हार्डवेयर हैं उसका सपोर्ट भी काफ़ी लिमिटेड है, और अगर आप अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो रिलेटिवली यहाँ पर इसका काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस माना जाता है रिमोट एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनली जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वह यूज़र को बहुत महंगी पड़ जाती है। नेक्स्ट हम जाते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्टेबल माना जाता है,
और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है वह विंडोज से काफ़ी कम रहती है, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है या फिर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रहता है। और इसका जो सोर्स कोड है वह भी ओपन है, कोई भी चाहे तो इस पर वर्क कर सकता है। और जो लार्जर कम्युनिटी होने के कारण इसके लिए सपोर्ट भी बहुत इजीली मिल जाता है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि क्योंकि लार्जर कम्युनिटी है, ओपन सोर्स है, हर कोई वर्क कर रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक एक वेंडर नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके, तो यह जो स्पेसिफिक वेंडर न होने का एक डिसएडवांटेज भी रहता है, जब कभी अगर कोई अर्जेंट कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम में अगर हम फंस जाते हैं तो। और इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वह विंडोज़ के रिलेटिवली काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि प्राइमरीली मेनली एप्पल प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है उसकी रिलायबिलिटी, बहुत ही रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है कंपेयर टू विंडोज़ एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही स्टेबल है। लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि गेमिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट, भले कुछ स्पेसिफिक गेम बने हैं जो सिर्फ इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम नंबर है। मार्केट में जो पॉपुलर गेम्स हैं वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपरली रन नहीं करते हैं। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर की चॉइसेस है वह भी बहुत कम रहती है। जो पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर रहे हैं, ये सारे के सारे एज इट इज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में रन नहीं करते हैं। और इसको अपग्रेड करना और कस्टमाइज करना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और फाइनली जो इसका रोबस्ट डिज़ाइन है, जो इसकी रिलायबिलिटी है, उसके चलते हुए इसका कॉस्ट बहुत हाई है, जो कि एक जो कॉमन यूजर है उसको बियर नहीं कर सकता इजीली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, बहुत ही एफिशिएंट है इसकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एफिशिएंट वर्चुअल मेमोरी होने के कारण इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत इजीली मैनेज किए जा सकते हैं, और इसका जो सिक्योरिटी है वह भी इसमें बहुत ही टाइटली बिल्ट इन है। और इसमें जो कमांड्स हैं और जो यूटिलिटीज़ हैं उसके लिए बहुत रिच प्लेटफॉर्म माना जाता है ये। और इसका जो फाइल सिस्टम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट फाइल सिस्टम माना जाता है। और इसका जो इंटरनल जो कर्नल है जो सारा वर्क परफॉर्म करता है वह बहुत ही लीन और बहुत ही रोबस्ट माना जाता है। और यूनिक्स बहुत ही बेस्ट पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ये किसी भी मशीन में इजीली अवेलेबल हो सकता है। और यूनिक्स का जो एनवायरनमेंट है वह प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि वह प्रोग्रामर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, न कि नॉर्मल यूजर। और इसमें जो कमांड्स हैं भले वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही रिच हैं, लेकिन नेम्स बहुत ही क्रिप्टिक हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। और जब कभी आप इसमें प्रोग्राम बना रहे होते हैं, अगर एक स्मॉल टाइपो की मिस्टेक हो गया तो आपका प्रोग्राम बहुत ही डिफरेंटली अनयूजुअली बिहेव कर सकता है। और इसमें जो डिज़ाइन है भले वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही रोबस्ट है, लेकिन इट रिक्वायर्स कि यूज़र उन सारे कमांड्स को समझे, तभी वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकेगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो ट्यूटोरियल्स हैं उसका भी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहता है, इसीलिए जो टूल्स को यूज़ करना है उसको एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो कॉमनली पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इसका जो कंपेरिजन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, जिनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मेरे इस प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।